देवों के देव महादेव का स्वरूप सभी देवी देवताओं से बिल्कुल अलग है। जहाँ सभी देवी देवता दिव्य आभूषण और वस्त्र आदि धारण करते हैं, वहीं भोलेनाथ ऐसा कुछ भी धारण नहीं करते हैं। वे तो अपने शरीर पर केवल भस्म लगाते हैं और भस्म ही उनका आभूषण है। नमस्कार दोस्तों, मधुर सरस चैनल पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में जानेंगे भगवान भोलेनाथ अपने शरीर पर भस्म क्यों लगाते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। लक्ष्मी, गणेश, राधा कृष्ण, राम, सीता, विष्णु, ब्रह्मा जी आदि अनेकों भगवान भारी भारी गहनों और वस्त्रों से लदे रहते हैं। इन भगवानों की मूर्तियां मंदिरों में देखें या फिर इनके चित्रों पर गौर करें, हर जगह हमें सभी देवी देवता सोने चांदी से जड़े आभूषणों में दिखाई देते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि आखिर भगवान शिव क्यों बिना आभूषणों के रहते हैं? उनके गले में माला के नाम पर सांप, सिर पर मुकुट की जगह जटाएं, शरीर पर मलमल के कपड़ों की बजाय बाघ की खाल और शरीर पर चंदन के लेप की बजाय भस्म क्यों है? देवों के देव महादेव अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं और ये कोई आम लकड़ी की भस्म नहीं है, बल्कि यह चिता की राख होती है। इस भस्म के पीछे एक नहीं कई धार्मिक मान्यताएं प्रचलित हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव को मृत्यु का स्वामी माना गया है, इसलिए शव से शिव नाम बना। उनके अनुसार शरीर नश्वर है और एक दिन इस भस्म की तरह शरीर राख हो जाना है। जीवन के इसी पड़ाव का भगवान शिव सम्मान करते हैं और इस सम्मान को वो खुद पर भस्म लगाकर जताते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव और माता सती को यज्ञ के लिए निमंत्रण न मिलने पर सती ने क्रोध में आकर खुद को अग्नि के हवाले कर दिया था। उस वक्त भगवान शिव माता सती का शव लेकर धरती से लेकर आकाश तक हर जगह घूमे। विष्णु जी भगवान शिव की ये दशा देख ना पाए और माता सती के शव को छूकर उन्होंने उसे भस्म में बदल दिया। अपने हाथों में सती की जगह भस्म देखकर शिवजी और परेशान हो गए और बाद में भस्म को देखकर माता सती को याद कर वो राख उन्होंने अपने शरीर पर लगा ली। इस संबंध में एक अन्य तर्क यह भी है कि भगवान शिव कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं, जहां का वातावरण अत्यंत ही ठंडा है और भस्म शरीर पर आवरण का काम करती है। यह वस्त्रों की तरह ही उपयोगी होती है। भस्म बारीक लेकिन कठोर होती है, जो हमारे शरीर की त्वचा के उन रोम छिद्रों को भर देती है, जिससे सर्दी या गर्मी महसूस नहीं होती है। भगवान शिव का रहन सहन सन्यासियों सा है और सन्यास का यही अर्थ है कि संसार से अलग, प्रकृति के सानिध्य में रहना, संसारी चीजों को छोड़कर प्राकृतिक साधनों का उपयोग करना। ये भस्म उन्हीं प्राकृतिक साधनों में शामिल है। शिव पुराण के अनुसार भस्म तैयार करने के लिए कपिला गाय के गोबर के बने कंडे, शमी, पीपल, पलाश, बड़, अमलतास और बेर के वृक्ष की लकड़ियों को एक साथ जलाया जाता है। इस दौरान उचित मंत्रोच्चारण किए जाते हैं। इन चीजों को जलाने पर जो भस्म प्राप्त होती है उसे कपड़े से छान लिया जाता है और इस प्रकार तैयार की गई भस्म भगवान शिव को अर्पित की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस प्रकार तैयार की गई भस्म को यदि कोई इंसान भी धारण करता है तो वह सभी सुख सुविधाएं प्राप्त करता है। शिव पुराण के अनुसार ऐसी भस्म धारण करने से व्यक्ति का आकर्षण बढ़ता है, समाज में मान सम्मान प्राप्त होता है। अतः शिवजी को अर्पित की गई भस्म का तिलक लगाना चाहिए।
भगवान शिव के पूजन में भस्म अर्पित करने का विशेष महत्व है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर में प्रतिदिन भस्म आरती विशेष रूप से की जाती है। उज्जैन स्थित महाकालेश्वर की भस्म आरती विश्व भर में प्रसिद्ध है। ऐसी मान्यता है कि वर्षों पहले शमशान भस्म से भूत भावन भगवान महाकाल की भस्म आरती होती थी, लेकिन अब यह परंपरा खत्म हो चुकी है और अब कंडे की भस्म से आरती श्रृंगार किया जा रहा है। वर्तमान में महाकाल की भस्म आरती में कपिला गाय के गोबर से बने औषधि युक्त उपलों में शमी, पीपल, पलाश, बड़, अमलतास और बेर की लकड़ियों को जलाकर बनाई गई भस्म का प्रयोग किया जाता है। जलते कंडे में जड़ी बूटी और कपूर गूगल की मात्रा इतनी डाली जाती है कि यह भस्म न सिर्फ सेहत की दृष्टि से उपयुक्त होती है बल्कि स्वाद में भी लाजवाब हो जाती है। शिव का शरीर पर भस्म लपेटने का दार्शनिक अर्थ यही है कि यह शरीर जिस पर हम घमंड करते हैं, जिसकी सुविधा और रक्षा के लिए न जाने